दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय टीम ने कमाल कर दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो क्या है पूरा स्कोर कार्ड बताएंगे इस वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय टीम आते ही 3 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन लंच के बाद ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जड़ा। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 60 रनों की पारी खेली और दूसरे छोर पर ऋषभ पंत ने भी 50 रन बनाए और दोनों ही बल्लेबाज भारत को एक बड़ी बढ़त दिलवाकर आउट हो गए। और उसके बाद बुमराह और उमेश यादव के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के लिए 50 से ज़्यादा रन जोड़ लिए और उमेश यादव ने 25 रन बनाए तो जसप्रीत बुमराह ने भी 24 रन बनाए। उमेश यादव ने शानदार 2 छक्के भी लगाए, लेकिन भारत की पारी 466 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 368 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया है और चौथे दिन का खेल अभी भी 30 ओवर का बचा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम आज इंग्लैंड के शुरुआती विकेट ले पाएगी या नहीं। दोस्तों, इसी तरह की क्रिकेट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।